टेस्टी टेस्ट नंबर 17। फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द हॉर्टिकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया। इट कंट्रीब्यूट्स नियरली 1/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द एग्रीकल्चर आउटपुट एंड 6% ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ठीक है, ये स्टेटमेंट तो राइट है, फैक्चुअल है वैसे तो, बट वी नो अबाउट हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर इज एन इंपॉर्टेंट एरिया, तो ये स्टेटमेंट तो आपकी हो जाएगी राइट। सेकेंड इज, इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड। तो दिस इज रॉन्ग, बिकॉज इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, नॉट द सेकेंड लार्जेस्ट। तो ये आपको नोट करना है, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन द वर्ल्ड। सो हेयर द आंसर बिकम्स ऑप्शन ए, दैट इज वन ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। विद रेफरेंस टू लाइफ स्टॉक्स ऑफ इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लाइफ स्टॉक सेंसस इन इंडिया इज हेल्ड वंस एवरी 10 years। दिस इज रॉन्ग, इट हेल्ड्स एवरी 5 years। तो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट लाइफ स्टॉक ओनर एज पर द 20th लाइफ स्टॉक सेंसस ऑफ 2019। दिस स्टेटमेंट इज अगेन रॉन्ग, इंडिया इज द लार्जेस्ट, नॉट द थर्ड लार्जेस्ट। नेक्स्ट इज, उत्तर प्रदेश हैज द हाईएस्ट बफेलो पॉपुलेशन ऑफ ऑल द स्टेट्स। दिस स्टेटमेंट इज राइट, फैक्चुअल है, और वैसे भी अगर आप फर्स्ट और सेकेंड को एलिमिनेट कर दोगे तो आपके पास ऑप्शन बी ही बचेगा। सो आंसर बिकम्स ऑप्शन बी, दैट इज 3 ओनली। तो ये दो स्टेटमेंट तो देखो आपको पता होनी चाहिए, बाकी जो है उसकी आपको जरूरत नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट को बिना उसके भी कर सकते हो, ना पता हुए भी ये क्वेश्चन हो सकता है। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, थर्ड। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स फीचर्स। द स्टेट इज नोन एज द मोलेसिस बेसिन बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स। देखो जब भी हम मोलेसिस की हम बात करते हैं तो मोलेसिस की बात हम यूजुअली किस स्टेट के साथ करते हैं, यूजुअली उस मोलेसिस की बात हम करते हैं नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की, दैट इज मिजोरम। तो मिजोरम के साथ हम इसकी बात करते हैं। द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द स्टेट इज ब्लू माउंटेन, द स्टेटमेंट इज राइट, देखिए हमें पता ही है। द इंपॉर्टेंट रिवर्स फ्लोइंग थ्रू स्टेट इंक्लूड सोनाई, तवांग, क्लोडिन एंड कामाफुली। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट से ही आप इसका आंसर निकाल सकते हो, मोलेसिस बेसिन आर फाउंड मोस्टली इन द मिजोरम स्टेट, सो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी, इसी से ये क्वेश्चन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। असम इज द लार्जेस्ट स्टेट इन द नॉर्थ ईस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया। देखो वी नो, अगर मैप अगर देखा है तो अरुणाचल प्रदेश इज द लार्जेस्ट स्टेट विद रिस्पेक्ट टू एरिया, सो फर्स्ट रॉन्ग हो जाएगी। गारो खासी एंड जयंतिया हिल फॉर्म्स द पार्ट ऑफ मेघालय प्लेटू, ये पता है हमें, तो राइट सही स्टेटमेंट है। सिक्किम इज रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट बाय द वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन, ये भी हमें पता, सिक्किम वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑर्गेनिक स्टेट, सो आंसर बिकम्स ऑप्शन बी, दैट इज 2 and 3 ओनली। एनी वे फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग करोगे तो भी आपका आंसर इससे आ ही जाएगा, और दोनों स्टेटमेंट वैसे भी बहुत नोन है, बहुत ईजी है, तो ये स्टेटमेंट, ये क्वेश्चन भी आपका ईजी क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5। जयंतिया वैली, जतिंगा वैली विच हैज बीन रेफर्ड टू एज वन ऑफ द 10 मोस्ट मिस्टीरियस प्लेसेज इन इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड द बर्मुडा ट्राइंगल फॉर बर्ड्स इज लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। देखो ये थोड़ा हो सकता है नया हो आपके लिए, बिकॉज एक नई टर्म इसमें आई है, तो इसका आंसर आपका है असम। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि जतिंगा वैली इज बर्मुडा ट्राइंगल ऑफ इंडिया, बर्मुडा ट्राइंगल इन इंडिया फॉर बर्ड्स, and it is located in Assam. Next is question number 6. I hope आपको पता है Bermuda Triangle के बारे में, कि वहाँ पे it is a graveyard for the ships and aircrafts. वहाँ पे navigation system वगैरह work नहीं करते हैं due to their weather conditions. तो Bermuda Triangle for birds का मतलब ये है कि इस वाले area में आने के बाद birds confused हो जाते हैं कि आगे कहाँ जाना है, तो death हो जाती हैं या वो confused होके वहीं रुक जाते हैं, तो it is somehow affects the birds which are migrating from India. मतलब इंडिया से, जो इंडिया के थ्रू जो माइग्रेट कर रहे हैं उनको ये अफेक्ट करता है एरिया। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हाई टाइड्स स्प्रिंग टाइड्स आर एक्सपीरियंस्ड ऑन द फुल मून एंड न्यू मून, द स्टेटमेंट इज राइट, स्टेटमेंट ठीक है। स्प्रिंग या हाई टाइड्स फुल मून या न्यू मून पे हम एक्सपीरियंस करते हैं। देन नीप टाइड और लो टाइड्स are experienced when the sun, earth and moon are in the straight line. देखो straight line में कैसे होगा, जब नीप या लो टाइड है
तो यानी कहीं ना कहीं सन और जो मून है वो अपनी सन और जो मून है वो अपनी उसको कम कर देंगे, व्हाट आई से, एक दूसरे की ग्रेविटेशन फोर्स को कम करेंगे। तो ये अगर एक लाइन में होंगे तीनों, सन मून और अर्थ, तो ये तो नेगेशन कम होगा। अगर सन इस तरह से हो, अर्थ ऐसे है और मून इस तरह से हो, तो नेगेशन ज़्यादा होगा, यानी ये परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो दे शुड बी परपेंडिकुलर, नॉट इन द स्ट्रेट लाइन। तो ये हो जाएगा रॉन्ग स्टेटमेंट। द हाइएस्ट टाइड अकर्स इन बे ऑफ फंडी, कैनेडा। द स्टेटमेंट इज राइट। और वैसे भी अगर सेकेंड स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई कर सकते हो तो थर्ड तो अपने आप हो जाएगा, तो आंसर बिकम ऑप्शन बी। सो अगेन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इफ द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अर्थ इज नॉट इंक्लाइंड टू इट्स ऑर्बिट, देन। अगर इक्वेटोरियल प्लेन अर्थ की ऑर्बिट के साथ इंक्लाइंड नहीं होगा तो क्या होगा? सो द ड्यूरेशन ऑफ द ईयर वुड बी लॉन्गर, नहीं। समर वुड बी वार्मर, ये भी नहीं होगा। देयर वुड बी नो चेंज इन द सीजन, ये स्टेटमेंट ठीक है, जो सीजन में चेंज है वो नहीं आएगा। तो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रामसर कन्वेंशन। इट इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट प्रमोटिंग द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स। द स्टेटमेंट इज, बताओ सही है गलत है? स्टेटमेंट इज राइट कि भाई उसमें यही है, वाइजर यूज होता है। सेकेंड इज, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड बाई यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को। द स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। द ट्रीटी इज बाइंडिंग ऑन द मेंबर कंट्रीज। देखो ट्रीटी बाइंडिंग नहीं है, और मैंने पहले ही बताया था बाइंडिंग ट्रीटीज बहुत कम होती हैं। तो यू हैव टू मेक अ नोट कि कौन सी ट्रीटीज बाइंडिंग है। नेक्स्ट, करंटली चाइना हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स। ये अगेन रॉन्ग है। इट इज यूके, उसके बाद मैक्सिको आता है। तो यूके के अंदर आपके पास लगभग 175 है, मैक्सिको के अंदर 142 साइट्स हैं रामसर की। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगी। सो आंसर हेयर बिकम्स ऑप्शन बी, दैट इज ओनली टू स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 9। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स विद इन रेफरेंसेज टू द बायोटिक इंटरेक्शन। तो बायोटिक इंटरेक्शन के रिस्पेक्ट में इन पेयर्स को कंसिडर करो। कमेंसलिज्म, ह्यूमन बैक्टीरिया ऑफ द काउ। देखो ह्यूमन बैक्टीरिया ऑफ द काउ में क्या है, दोनों को बेनिफिट हो रहा है, तो इट शुड बी अ केस ऑफ म्यूचुअलिज्म रेदर देन कमेंसलिज्म। तो फर्स्ट हो जाएगा रॉन्ग। सेकेंड, प्रिडेशन। प्रिडेशन में इट इज सेइंग ऑर्किड ग्रोइंग ऑन मैंगो ट्री। देखो अगर ऑर्किड मैंगो ट्री पे ग्रो कर रहा है तो एक को फायदा, एक को घाटा हो रहा, दूसरे को फायदा नहीं हो रहा, तो इट इज अ केस ऑफ कमेंसलिज्म। सो ये प्रिडेशन भी रॉन्ग हो जाएगा। प्रिडेशन में क्या होता है, प्रिडेशन में वो दूसरे को प्रे करता है, जैसे लायन और डियर हो गया, वो होता है प्रिडेशन। देन थर्ड है आपका अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म में बोल रहा है कोरल पॉलिप्स एंड एल्गी ज़ूज़ेंथ्री, ये अगेन म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो 1, 2, and 3 तीनों रॉन्ग हो जाएगी। अमेंसलिज्म में क्या होता है, एक को बेनिफिट, एक को तो हो रहा है बेनिफिट, सॉरी और दूसरे को, दोनों किसी को बेनिफिट नहीं हो रहा है उसमें, तो वो हो जाता है आपका अमेंसलिज्म। फोर्थ इज म्यूचुअलिज्म, प्रोटोजोआ एंड टर्माइट्स, ये स्टेटमेंट ठीक है, दोनों को बेनिफिट होता है, प्रोटोजोआ को खाना मिल जाता है, टर्माइट्स के लिए वो उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। सो द क्वेश्चन इज आस्किंग हाउ मेनी ऑफ द अबव पेयर्स आर नॉट करेक्टली मैच्ड। तो वी हैव ऑफ 3 pairs, तो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी। सो दिस इज फ्रॉम योर बेसिक एनसीईआरटी बुक्स, एनसीईआरटी बुक से ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, फ्लोराइड डेंटल फ्लोरोसिस, नाइट्राइट इटाई डिजीज। नेक्स्ट इज योर मर्करी मिनीमाटा। देखो मर्करी मिनीमाटा आई नो ये सही है, फ्लोराइड डेंटल फ्लोरोसिस बिल्कुल ठीक है, ये तो दो स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक रहेंगे। कैडमियम इज ब्लू बेबी सिंड्रोम। देखो ब्लू बेबी सिंड्रोम को आप रिलेट करते हो नाइट्रेट के साथ, तो ये तो हो जाएगा आपका रॉन्ग, फोर्थ वाला। और कैडमियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इटाई डिजीज, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। सो आंसर शुड बी ऑप्शन बी, दैट इज 1 and 3 ओनली। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। विद रेफरेंस टू इको सेंसिटिव जोन्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देयर आर, दीज आर द एरियाज विद इन 10 kilometers अराउंड द प्रोटेक्टेड एरिया, नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। द स्टेटमेंट इज राइट, ये स्टेटमेंट ठीक है। दीज एरियाज आर नोटिफाइड अंडर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये आपकी आती है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 के अंदर, ये अब आपको ध्यान रखना है। जो इको सेंसिटिव जोन्स है वो एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर आता है, ना कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के अंदर। प्रोटेक्टेड एरियाज, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आते हैं आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर।
तो ये एक बच्चे ध्यान रखना, क्योंकि इसमें वो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश पक्का कर सकता है। दीज जोन्स वुड एक्ट एज ट्रांजिशन जोन फ्रॉम एरियाज ऑफ हाई प्रोटेक्शन टू दोज इन्वॉल्विंग लेसर प्रोटेक्शन। दिस स्टेटमेंट इज राइट। सो आंसर बिकम्स ऑप्शन ए, दैट इज वन एंड थ्री ओनली। वैसे भी अगर टू को हटा दोगे तो भी आपका आंसर आ ही जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 सेज, विद रेफरेंस टू द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट इज एन असेसमेंट ऑफ इंडियाज फॉरेस्ट एंड ट्री कवर पब्लिश्ड एवरी ईयर बाय द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। द स्टेटमेंट इज रॉन्ग। ये क्यों? देखो इसमें दो पॉइंट्स हैं, एक तो एवरी ईयर बोल रहे हैं, दूसरा बोल रहा है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। तो देखो ये एवरी ईयर नहीं होती, हर दो साल में होती, इट इज बाई एनुअल, दो साल में एक बार होती है। तो ये इस वाले पॉइंट की वजह से रॉन्ग हो जाएगा स्टेटमेंट। इट हैज फॉर द फर्स्ट टाइम एसेस्ड फॉरेस्ट कवर इन टाइगर रिजर्व्स, टाइगर कॉरिडोर्स एंड गिर फॉरेस्ट विच हाउसेज द एशियाटिक लाइन। द स्टेटमेंट इज राइट। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, द फॉरेस्ट एंड ट्री कवर इन कंट्री कंटिन्यूज टू डिक्रीज ओवर द पास्ट टू ईयर्स। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि हम बार बार देख रहे हैं कि जो ट्री कवर है इंडिया के अंदर वो इंक्रीज हो रहा है बजाय डिक्रीज होने के। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। सो आंसर बिकम्स ऑप्शन ए, दैट इज टू ओनली। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 सेज, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, कुंथाकुलम बर्ड सेंचुरी केरला। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इट इज इन तमिलनाडु। देन वेलोड बर्ड सेंचुरी इन तमिलनाडु, दिस स्टेटमेंट इज राइट। रंगनथिट्टू बर्ड सेंचुरी इन कर्नाटक, दिस इज ऑल्सो राइट। देन सिरपुर वेटलैंड, ये भी सही है। तो अगर आपको किसी का नहीं पता था तो प्लीज नोट डाउन, इनको आप नोट डाउन कर सकते हो। आंसर बिकम्स ऑप्शन ए, दैट इज 2, 3 एंड 4। तो अगर आपको नहीं पता था तो आप इसको यहां से नोट डाउन कर लेना अपने मैप के अंदर। नेक्स्ट इज, विद रेफरेंस टू द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट एम टू क्रिएट बफर जोन टू डिफेंड कंपनीज फ्रंटियर। द स्टेटमेंट इज राइट। द सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी वॉज एन एक्सटेंशन ऑफ द पॉलिसी ऑफ रिंग फायर। ये स्टेटमेंट भी ठीक है। जो सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी वो किसने बनाई थी? वो बनाई थी अपने वेलेजले ने। तो रिंग फेंस में क्या था? रिंग फेंस का मतलब ये था कि ये अगर मान लो ब्रिटिश का एरिया है तो इसके चारों तरफ आप बफर जोन बना दो, जिससे कि कोई अटैक होता तो पहले बफर जोन पे अटैक होगा, उसके बाद यूरोपीय ब्रिटिश टेरिटरीज पे आएगा। दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है। तो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। हु अमंग द फॉलोइंग वाज और वर एसोसिएटेड विद इंट्रोडक्शन ऑफ परमानेंट सेटलमेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। तो परमानेंट सेटलमेंट में कौन कौन होगा? शोर, ग्रांट एंड मुनरो। देखो मुनरो का तो हमें याद है, मुनरो वॉज एसोसिएटेड विद विच वन? मुनरो वॉज एसोसिएटेड विद योर रेयोतवारी, रेयोतवारी सिस्टम। तो ये तो होगा नहीं, और वैसे भी रेयोतवारी सिस्टम परमानेंट सिस्टम के 20 साल के बाद आया था, तो इतनी प्रोबेबिलिटी है कि 20 साल में इंसान मतलब द पोजीशन चेंज, उस पोजीशन पे जो पर्सन है वो चेंज हो जाता है 20-25 साल में। 20-25 ईयर्स इज अ बिग टाइम स्पेन फॉर अ पर्सन। तो थर्ड तो हो जाएगा आपका रॉन्ग। तो थर्ड को रॉन्ग करते आंसर आ जाता है आपका ऑप्शन ए, दैट इज 1 एंड 2 ओनली। एंड वैसे भी इट वॉज इम्प्लीमेंटेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कॉर्नवालिस विद द हेल्प ऑफ शोर एंड ग्रांट। ये वैसे भी आपके एनसीईआरटीज और स्पेक्ट्रम दोनों में मेंशनड है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। विद रेफरेंस टू परमानेंट सेटलमेंट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द जमींदार एज द ओनर ऑफ द लैंड कुड सेल मॉर्गेज एंड ट्रांसफर इट, बट इट कुड नॉट बी इनहेरिटेड बाय हिज हेयर्स। क्यों नहीं इनहेरिट होगा? वो इनहेरिट होगा जब तक वो पेमेंट करता रहेगा, वो इनहेरिट होता रहेगा। जैसे ही पेमेंट बंद होगी तब उस लैंड को उससे ले लिया जाएगा। तो द फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। अ फिक्स्ड टैक्स ऑन द लैंड हैज टू बी पेड बाय द जमींदार। ये स्टेटमेंट ठीक है। सो आंसर बिकम ऑप्शन बी, दैट इज 2 ओनली। तो देखो आई हैव ट्राइड टू पिक स्पीड हेयर, तो आप स्पीड के साथ कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। द ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू कीप फोकस ऑन द पेपर, पेपर में फोकस नहीं खोना है। क्वेश्चन नंबर 17। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस अबाउट द लैंड सेटलमेंट इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर इन टर्म्स ऑफ द एरियाज इन विच देवर दीज वर इम्प्लीमेंटेड। सो फर्स्ट वन इज क्वेश्चन पॉइंट, सॉरी उसने क्या बोला है कि असेंडिंग ऑर्डर में आपको प्लान करना है कि किस किस सीक्वेंस में इनके ऊपर ये किस किस एरिया में थे। तो देखो परमानेंट जो सेटलमेंट था वो सिर्फ बंगाल के अराउंड था। उसके बाद अगर आप महलवारी सिस्टम की बात करोगे तो महलवारी सिस्टम सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया में था।
रेवत वाले सिस्टम जो था वो पूरे सदर्न इंडिया के अंदर था, तो मैक्सिम एरिया इसी के अंदर था। सो आंसर हेयर इज ऑप्शन ए ओनली, परमानेंट सिस्टम वॉज द लीस्ट, मतलब इसके नीचे सबसे कम एरिया था, महलवारी के अंदर उससे थोड़ा ज्यादा था और रेवतवारी के अंदर सबसे ज्यादा था। ऑलमोस्ट 51% ऑफ द एरिया वॉज अंडर रेवतवारी सिस्टम ओनली। सो हेयर द आंसर बिकम्स ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स इन रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। रॉयल इंडियन नेवी म्यूटनी 1946 में हुआ था हमें पता है, क्विट इंडिया मूवमेंट ये 1942 में हुआ था, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1932 में हुआ था। तो जो सीक्वेंस होनी चाहिए वो 3-2-1 होनी चाहिए, पीरपुर रिपोर्ट का मुझे नहीं पता। तो अभी सीक्वेंस के अकॉर्डिंग मैं देख लेता हूँ कौन सा ऑप्शन एलिमिनेट हो सकता है। 1-2-3 तो नहीं होगा, 2-1-3 भी नहीं होगा, अब 3-2-1 यहाँ आ गया, 3-2-1 यहाँ आ गया, तो मेरे पास बच गए दो ऑप्शन। तो यानी मुझे पीरपुर रिपोर्ट का पता होना चाहिए। तो फॉर योर नॉलेज ओनली, इट हैपेंड इन 1938। सिनॉप्सिस में मेंशन किया हुआ इसके बारे में, हाउ इट वाज लॉन्च्ड बाय मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग ने इसमें क्या क्या किया था टू गेट, मतलब कि उसने उन्होंने अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए उन्होंने इस रिपोर्ट को निकाला था। सो आंसर बिकम्स ऑप्शन डी, दैट इज 3-4-2-1, इट हैपेंड इन 1938। क्वेश्चन नंबर 19, ब्रिटिश मेड अगस्त ओफर गेट कांग्रेस सपोर्ट इन टू गेट कांग्रेस सपोर्ट इन वर्ल्ड वॉर टू। What proposals was or were made in the August offer of 1940? A representative constitutional body making statement, ठीक है। इंडिया के जो डिमांड्स उन्होंने इस अगस्त ऑफर में उनको किसी तरह थोड़ा मोल्ड वोल्ड करके डायल्यूट करके देने की कोशिश की थी। नंबर ऑफ इंडियंस इन वायसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल विल इंक्रीज, द स्टेटमेंट इज राइट। अ वॉर एडवाइजरी काउंसिल वुड बी सेटअप फॉर डोमिनियन स्टेटस एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया, द स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट। So here the option becomes, and yeah, option, so answer becomes, the statement 4 is not given here, so answer becomes, sorry, option 4 is given, ye diya hua hai yahan pe, thoda sa typing error ho gaya. Dominion status as the objective of India, ye statement bhi theek hai, so answer becomes option D, 1, 2, 3, and 4, charo statement isme theek hai. Next aate hain question number 20 pe. With reference to the Purva Mimamsa philosophy, consider the following statement. This philosophical system does not believe in the performance of rituals. The Mimamsa system of rituals mein believe nahi karta. This is wrong. It believes in the performance of rituals. Ke rituals ke through up, you can attain the salvation. Mimamsa strictly is of opinion that whatever we do in our life are not dreams or illusion but are real. This statement is right. So answer becomes option 2, that is option B, that is 2 only. So this is given in your old NCERT book of 11th class. ठीक है, आर एस शर्मा जो है उसमें यह दिया हुआ है लास्ट के चैप्टर्स में। सल्तनत एंड मुगल आर्किटेक्चर ब्रोट यूनिक फीचर्स। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू शो द कॉमन क्वालिटीज बिटवीन द टू स्ट्रक्चर्स। बोथ मुगल एंड सल्तनत पीरियड ऑफ द कंस्ट्रक्शन आर मार्क्ड बाय द यूज ऑफ रेड सैंडस्टोन। द स्टेटमेंट इज राइट। रेड सैंडस्टोन से जैसे आपका लाल किला बना है, उससे पहले सल्तनत की जो चीजें थी वो भी लाल किले, वो भी रेड सैंडस्टोन से बनी थी। और देखो वैसे भी ये नॉर्दर्न इंडिया के अंदर रूल कर रहे थे, तो अगर आप देखोगे तो मथुरा आर्ट भी जो है वो भी रेड सैंडस्टोन से ही बनती है यहाँ पे, क्योंकि रेड सैंडस्टोन ही मिलता है, तो इसलिए यही यूज होगा आर्किटेक्चर के अंदर। द पिलर नोन एज द मिनारेट वॉज अ कॉमन फीचर ऑफ बोथ द टाइप्स। द स्टेटमेंट इज राइट। The construction of mausoleums and monumental structure over the tombs of the ruler of both the period, the statement is again right. So option becomes, answer becomes option D, that is 1, 2 and 3. Question number 22. Personalities like Abul Hasan, Bisan Das, Ustad Mansur and Manohar, तो ये किसके साथ relate करते हैं? देखो Bisan Das जो है इसका नाम आपने काफी बार सुना होगा, अबुल हसन का भी, तो ये दोनों क्या थे? पेंटर्स थे, तो पेंटर्स से रिलेट कर लो अगर कोई है तो। ऑप्शन बी है पेंटर्स ड्यूरिंग द रीन ऑफ जहांगीर, तो यही आंसर होना चाहिए। तो देखो बिसन दास से ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो सकता है, एंड ही वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, इसका नाम बार बार आता भी है, तो आंसर बिकम्स ऑप्शन बी। नेक्स्ट, विद रेफरेंस टू विजयनगर स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द विजयनगर स्कूल कंबाइंड फीचर्स ऑफ द चोलास, होयसलास, चालुक्यास एंड वॉज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द इंडो इस्लामिक पैटर्न। द स्टेटमेंट इज राइट, उन्होंने सबको कंबाइन कर दिया था। अंडर विजयनगर स्कूल गोपुरम्स वर बिल्ट ऑल अराउंड। द स्टेटमेंट इज अगेन राइट।
कल्याण मंडप इज एसोसिएटेड विद विजयनगर स्कूल, ये स्टेटमेंट भी ठीक है. सो आंसर बिकम्स ऑप्शन डी, दैट इज 1, 2 एंड 3. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 के ऊपर. विद रिस्पेक्ट टू द रिलीजियस हिस्ट्री ऑफ इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द डॉक्ट्राइन ऑफ सेवाद बिलोंग्स टू बुद्धिज्म. द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इट बिलोंग्स टू जैनिज्म नॉट बुद्धिज्म. तो ये जैनिज्म को बिलोंग करता है. तो इनकेस अगर आपको नहीं पता था तो इसको आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हो. द प्रिंसिपल ऑफ अनेकवाद इज द कोर ऑफ जैन डॉक्ट्राइन. बिल्कुल सही है. अनेकवाद का मतलब यह है कि आप जो कह रहे हो वो भी सही है, वो भी एक पर्सपेक्टिव है लाइफ का. तो जैनिज्म में क्या है, वो सबके पर्सपेक्टिव्स को एक्सेप्ट करता है. तो दिस स्टेटमेंट इज राइट. नेक्स्ट इज निबना. निबना इज द अल्टीमेट गोल ऑफ बुद्धा टीचिंग. दिस स्टेटमेंट इज अगेन राइट. तो निबना या निर्वाणा ये बुद्धिज्म का कोर या अल्टीमेट गोल है. तो ये स्टेटमेंट भी सही हो जाएगा. तो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी, 2 एंड 3 ओनली. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर. आयर कोहलो केस. अ लॉ लिस्टेड इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी स्क्रूटनाइज्ड. अ लॉ लिस्टेड इन द 9th शेड्यूल कैन नॉट बी स्क्रूटनाइज्ड एंड चैलेंज इन द कोर्ट. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. आयर कोहलो केस में तो सुप्रीम ने बोला था कि उसको स्क्रूटनाइज कर सकते हैं आफ्टर अ स्पेसिफिक डेट. नेक्स्ट इज नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एंड यूनियन ऑफ इंडिया. ट्रांसजेंडर वर रिकॉग्नाइज्ड एज द थर्ड जेंडर. द स्टेटमेंट इज राइट. लिली थॉमस एंड यूनियन ऑफ इंडिया. एनी MLA, MLC और MP कन्विक्टेड ऑफ क्राइम एंड सेंटेंस फॉर एटलीस्ट 5 years इन जेल विल लूज देयर सीट इन द हाउस इमीडिएटली. इट इज 2 years नॉट 5 years. तो ये स्टेटमेंट भी हो जाएगा रॉन्ग. सो आंसर बिकम्स ऑप्शन ए, दैट इज ओनली 1 pair. क्वेश्चन नंबर 26. तो क्वालिफिकेशन ऑफ MP एंड MLAs अंडर 10th शेड्यूल इज डिसाइडेड बाय. तो कौन डिसाइड करेगा, स्पीकर और द चेयरमैन ऑफ द हाउस. तो डिस्क्वालिफिकेशन जो 10th शेड्यूल में होती है वो स्पीकर या चेयरमैन ऑफ द हाउस के पास होती है पावर्स. तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए. तो डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका, एंटी डिफेक्शन लॉ वाला क्वेश्चन है ये. तो स्पीकर के पास पावर होती है, चेयरमैन के पास पावर होती है टू डिस्क्वालीफाई द MP और MLA. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27. इट सेज Which principle among the following was added by the directive principles of state policy by the 44th Amendment Act of the Constitution? State to minimize inequalities in income status, facilitation and opportunities. The statement is right. It was Article 38. Second is to take steps to secure participation of workers in the management of the industries. Ye hua tha 42nd Amendment Act mein, jo 1976 mein aayi thi. Ye hua tha 44 में 1978 वाली में. टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड. अगेन ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट में हुआ था एंड इट इज आर्टिकल 39A. नेक्स्ट इज क्वेश्चन, नेक्स्ट इज टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज ऑफ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन. ये आर्टिकल 39 है और ये भी 42nd 1976 वाली में आया था. सो आंसर बिकम्स ऑप्शन ए. जो बाकी तीनों हैं BC और D वो तीनों आए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट में. सो हेयर द आंसर बिकम्स ऑप्शन ए. डायरेक्ट आपकी बुक से ही क्वेश्चन है ये. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28. विद द फिक्स टर्म बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ मेंबर ऑफ द राज्यसभा. तो राज्यसभा का जो मेंबर का जो टर्म है वो कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नहीं करता. कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इतना बोलता है कि 1/3 ऑफ द मेंबर्स विल रिटायर एवरी ईयर. ठीक है, एक बारी में 1/3 ऑफ द मेंबर विल रिटायर. सो हियर द आंसर इज ऑप्शन डी. द टर्म ऑफ 6 years इट इज बीन फिक्स्ड बाय पार्लियामेंट. पार्लियामेंट ने इसको फिक्स किया है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन ने. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29. क्वेश्चन नंबर 29 सेज विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द लिमिटेड सॉवरनिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन पार्लियामेंट. तो लिमिटेड सॉवरनिटी ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या है, कि गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, उसके ऊपर कुछ बाउंडेशंस हैं. तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बाउंडेशन ऑन इट. फंडामेंटल राइट्स भी बाउंडेशन है, कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर सकती गवर्नमेंट. कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स. बिल्कुल, जो स्टेट्स को पावर दे दी गई है उसमें सेंटर इंटरफेयर नहीं कर सकता. देन जुडिशियल रिव्यू, ये भी बिल्कुल सही है. वीटो पावर ऑफ द प्रेजिडेंट, ये रॉन्ग है. वीटो पावर उसमें नहीं आता, ये लिमिटेड उसमें नहीं आएगा. और वैसे भी वीटो पावर जो यूज होती है वो यूज होती है पार्लियामेंट्री लॉज के रिगार्डिंग, ना कि एग्जीक्यूटिव एक्शंस में. एग्जीक्यूटिव एक्शंस में प्रेसिडेंट को वो देना ही पड़ता है अपना साइन.
हाँ प्रेसिडेंट चाहे तो प्रेसिडेंट पूछ सकता है या रिकंसिडरेशन के लिए बोल सकता है कैबिनेट को अपने डिसीजन के लिए, पर अल्टीमेटली जो कैबिनेट डिसाइड करेगा वो प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा. सो आंसर हेयर बिकम्स ऑप्शन सी 1, 2, 3 and 4 ओनली. क्वेश्चन नंबर 30. विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज कंसिस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट. द जॉइंट कमिटी कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा. द स्टेटमेंट इज कि कौन सी कमिटीज जो हैं दोनों से मिलके बनती हैं. तो इट इज ऑप्शन बी कमिटी ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, जो कि 30 मेंबर कमेटी होती है, 20 मेंबर कम फ्रॉम लोकसभा एंड 10 मेंबर्स कम फ्रॉम राज्यसभा. सो हियर द आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31. आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्राइवेट बिल्स इन इंडिया. तो ये देख लेते हैं. इट्स इंट्रोडक्शन रिक्वायर्स 2 मंथ प्रायर नोटिस. नहीं, 1 मंथ का नोटिस चाहिए. इट्स ड्राफ्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंटरेस्टेड टू द लीडर ऑफ अपोजिशन. वाई, जो मेंबर उसको बनाएगा उसी के ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. तो इट इज नॉट द लीडर ऑफ अपोजिशन बट ऑन दैट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो उस बिल को इंट्रोड्यूस कर रहा है. नंबर ऑफ प्राइवेट मेंबर बिल्स हैज बीन केप्ट टू 3 पर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट. ये स्टेटमेंट ठीक है. द लास्ट प्राइवेट मेंबर बिल वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1970. नहीं, इट वॉज इन 1970. वो 1970 में पास हुआ था. ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा. सो हियर द आंसर बिकम्स ऑप्शन सी कि नंबर ऑफ प्राइवेट बिल्स आर लिमिटेड टू 3 पर सेशन. क्वेश्चन नंबर 32. विद रेफरेंस टू मनी मल्टीप्लायर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट रेफर्स टू द रेशियो ऑफ द ब्रॉड मनी एंड द रिजर्व मनी. द स्टेटमेंट इज राइट. सही है ये. सेकेंड इज हाई मनी मल्टीप्लायर इंडिकेट्स द इंक्रीज इन बैंकिंग हैबिट ऑफ द पॉपुलेशन. ये स्टेटमेंट भी ठीक है. सो हियर द आंसर बिकम्स ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33. विद रेफरेंस टू नेट स्टेबल फंडिंग रेशियो NSFR सीन समटाइम्स इन न्यूज रिसेंटली कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ऑब्जेक्टिव ऑफ NSFR इज टू एंश्योर दैट बैंक्स मेंटेन अ स्टेबल फंडिंग प्रोफाइल. ओके, द स्टेटमेंट इज राइट. इसका यही ऑब्जेक्टिव है, नाम से पता चल रहा है. NFSR इज अ पार्ट ऑफ बेसल 3 रेगुलेशन. ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है. NSFR इज नॉट येट यूज्ड बाय RBI इन इंडिया. ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. RBI ने इसको कंप्लीटली अडॉप्ट कर लिया है 2021 में. सो हियर द आंसर बिकम्स ऑप्शन बी दैट इज 1 and 2 ओनली. तो अगर नहीं पता था तो अब इसको अपने नोट्स में या नॉलेज में ऐड कर लो. और वैसे ये 2-3 बार आ चुका है पेपर्स में पहले, तो इसको आप देख, ये आपको याद रहना चाहिए. हम डिस्कस कर चुके हैं इसे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34. विद रेफरेंस टू अ ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट इज द अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड फॉर करंट ट्रांजैक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स. द स्टेटमेंट इज सही है. ये बात. इट इज द सोल डिटर्मिनेंट ऑफ द डिमांड फॉर द मनी. ये रॉन्ग है. ये सोल डिटर्मिनेंट नहीं हो सकता. सो हियर द आंसर बिकम्स ऑप्शन ए दैट इज 1 ओनली. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35. विद रेफरेंस टू द इफेक्ट ऑफ द एक्सचेंज रेट एंड परचेजिंग पावर पैरिटी ऑन एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. व्हेन अ नॉमिनल एक्सचेंज रेट इज ग्रेटर देन द परचेजिंग पावर पैरिटी द होम कंट्री विल इम्पोर्ट. तो देखो, जब नॉमिनल एक्सचेंज रेट ज्यादा है परचेजिंग पावर पैरिटी से, तो वो इम्पोर्ट क्यों करेगा, वो एक्सपोर्ट करेगा. क्यों? क्योंकि उसकी नॉमिनल एक्सचेंज रेट का मतलब क्या है कि जो सुपरफिशियल एक्सचेंज रेट है. एक्चुअल एक्सचेंज रेट यानी जो असली महंगाई है वो कम है. जब महंगाई कम है तो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगी. जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी तो उसके एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, तो वो एक्सपोर्ट करेगा. और इम्पोर्ट क्यों करेगा? मान लो वो बर्गर एक पेन वो मैन्युफैक्चर करता है. परचेजिंग पावर पैरिटी इज लेस देन नॉमिनल एक्सचेंज रेट. तो जब परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंगली हम देखते हैं, वो पेन आता है 2 रुपए का. नॉमिनल एक्सचेंज रेट के हिसाब से देखते हैं, वो पेन आता है 4 रुपए का. तो अगर वो इम्पोर्ट कर रहा है तो वो 4 रुपए का पेन हो जाएगा बजाय 2 रुपए के. तो वो बंदा प्रेफर करेगा ना कि अपने खुद की कंट्री का पेन ले बजाय बाहर का. तो ये तो हो जाएगी रॉन्ग. जब भी नॉमिनल एक्सचेंज रेट परचेजिंग पावर पैरिटी से ज्यादा होगी तो इट इज गोइंग टू एक्सपोर्ट रेदर देन इम्पोर्टिंग इट. व्हेन नॉमिनल एक्सचेंज रेट इज लेस देन परचेजिंग पावर पैरिटी द होम कंट्री विल एक्सपोर्ट. ये अगेन रॉन्ग हो गया. मतलब ये इम्पोर्ट करेगा. तो दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है. व्हेन द नॉमिनल एक्सचेंज रेट इक्वल्स परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सपोर्ट्स विल स्टॉप.
ये स्टेटमेंट ठीक है, जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, बिकॉज वो कॉम्पिटिटिव एज ही नहीं रहेगी उसके पास, तो उस केस में एक्सपोर्ट्स बंद हो सकते हैं. सो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर नॉट इंक्लूडेड इन पर्सनल इनकम. ओके, नेट इंटरेस्ट पेमेंट्स मेड बाय द हाउसहोल्ड्स, ये आपका पर्सनल इनकम में आता है. अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी पर्सनल इनकम में आता है. देन ट्रांसफर पेमेंट्स टू द हाउसहोल्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये पर्सनल इनकम में नहीं आता बिकॉज ये कोई अर्निंग नहीं है. कॉर्पोरेट टैक्स, दिस कम्स अंडर पर्सनल इनकम. सो हेयर विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द पर्सनल इनकम, तो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी, दैट इज ओनली थ्री ऑप्शन. तो ये एंड ये तीनों पर्सनल इनकम में नहीं आएंगे. ऑप्शन थ्री विल कम अंडर द पर्सनल इनकम. सो आंसर हेयर बिकम्स ऑप्शन सी, दैट इज ओनली थ्री ऑप्शन आर करेक्ट. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सोमैटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर इज इनकरेक्ट. इट इज अ टेक्निक इन विच द न्यूक्लियस ऑफ द सोमैटिक सेल इज ट्रांसफर टू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ई न्यूक्लिएटेड एग्स. द स्टेटमेंट इज wrong. Second is the statement is it is a technique which some nucleus transfer. ये statement वैसे right है पर question के accordingly wrong है. Question not correct पूछ रहा है. The technique cannot be used to resurrect the extinct species. ये statement wrong है. इस ये use की जा सकती है. तो this can be your answer. Under this technique, somatic nucleus can be reprogrammed to become a zygote. The statement is right. तो answer नहीं हो सकता ये. इन दिस टेक्निक नॉट ऑल द डोनर सेल्स जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड. ये स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि जो माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर या जो साइटोप्लाज्म के अंदर आपका डीएनए है वो ट्रांसफर नहीं होता, सिर्फ न्यूक्लियस डीएनए ही ट्रांसफर होता है. तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा, मतलब ये भी आपका आंसर नहीं बनेगा. सो हेयर द आंसर इज ऑप्शन बी, इट कैन बी यूज्ड आई एम रिपीटिंग, इट कैन बी यूज्ड फॉर रिसरेक्टिंग द एक्सटिंक्ट स्पीशीज. क्वेश्चन नंबर 38. Which of the following defense technologies are indigenously developed in India? ठीक है. Long range artillery gun, धनुष, तो इनमें से indigenously developed है, धनुष is indigenously developed. Second is close quarter battle carbines, ये नहीं होता. INS Vikrant is indigenous. Pinaka multi-barrel rocket launcher is indigenous. So answer becomes option C, 1, 3, and 4. Question number 39. With respect to the blockchain technology, consider the following statement. It is a peer-based ledger which is shared among the users. The statement is right. Permission for central node in a network is required to authorize any transaction on the blockchain. The statement is wrong. Central node ka koi role nahi hota yahan pe. It is decentralized. So, ye statement wrong ho jayega. Sorry for that. Question statement 3. It employs cryptography keys to perform different type of digital interactions over the peer-to-peer network. The statement is right. It can have it applicable in the real estate sector. बिल्कुल हो सकता है क्योंकि real estate में बहुत transaction होती हैं, frauds होते हैं, तो उसको और transparent करने के लिए इसमें use किया जा सकता है. तो answer here becomes option C, 1, 3, and 4. Question number 40. Recently the term mutagenesis was seen in news. What does it mean? It is the process that involves deciphering the exact order of the base pair of the individual. नहीं है ये wrong है, ये genome sequencing होता है जिसकी ये बात कर रहा है, जो exact order की ये बात कर रहा है. It is the process through which an organism's genetic composition is altered. ये statement ठीक है, mutagenesis में हम उसका genetic composition को ही alter कर देते हैं. जेनेटिक कंपोजिशन का मतलब ये है कि उसके क्रोमोसोम्स को ऊपर नीचे कर देंगे, मतलब पूरा पूरा क्रोमोसोम ही हटा देंगे, ऐड कर देंगे, अब न्यू सेट ऑफ क्रोमोसोम ऐड कर देंगे. इट इज द टेक्नोलॉजी दैट इन्वॉल्व्स इंसर्टिंग डीएनए इनटू द जीनोम ऑफ द ऑर्गेनिज्म. तो ये क्या हो जाएगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो जाएगा. तो ये भी रॉन्ग है. इट डिस्क्राइब्स द मेथड यूज टू आइडेंटिफाई द लोकस ऑफ द जीन एंड डिस्टेंसेज बिटवीन द जीन. तो ये जीनोम मैपिंग है, तो इट इज जीनोम मैपिंग, नॉट द म्यूटाजेनेसिस. तो ये भी हो जाएगा रॉन्ग. तो ये आपको चारों टर्म्स पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट टर्म्स है, किसी पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. क्वेश्चन नंबर 41. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द जूट प्रोडक्शन. इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ द जूट इन द वर्ल्ड. द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, बांग्लादेश भी है भाई.
तो इंडिया कैन नॉट बी द लार्जेस्ट वन, और बांग्लादेश के अंदर मोस्ट ऑफ द एरिया जूट के अंदर ही आता है। सेकंड, जूट इज अ राबी क्रॉप, दिस स्टेटमेंट इज अगेन रॉन्ग। इट इज इन इट हैपेंस इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, तो इट इज नॉट अ राबी क्रॉप। गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू जूट, ये स्टेटमेंट ठीक है। वेस्ट बंगाल इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट इन इंडिया, ये स्टेटमेंट भी ठीक है। सो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी, 3 and 4 ओनली। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। इट इज नो सिंगल अथॉरिटेटिव डेफिनेशन ऑफ वर्ल्ड वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इन इंटरनेशनल लॉ, ये स्टेटमेंट ठीक है, यही एक प्रॉब्लम भी हो रही है। इंडिया हैज नो लॉ टू कंट्रोल WMDs, दिस इज रॉन्ग। रिसेंटली एक लॉ इंडिया लेके आया है इसके लिए, सो दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग। इट हैपेंड इन 2022 ओनली। वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एंड देयर डिलीवरी सिस्टम, प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2022, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा। सो आंसर बिकम्स ऑप्शन ए, दैट इज वन ओनली। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43। कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग द रामसर साइट इन इंडिया। इंडिया हैज अ टोटल ऑफ 75 रामसर साइट्स, द स्टेटमेंट इज राइट, अभी 75 हो गई है हमारे पास। सेकेंड इज चित्रगुड़ी बर्ड सेंचुरी एंड कबरतुल वाइल्ड वेटलैंड आर इन द सेम स्टेट, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। द चित्रागुड़ी इट इज इन तमिलनाडु एंड कबरताल इट इज इन बिहार, तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। तमिलनाडु हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ रामसर साइट्स, द स्टेटमेंट इज राइट, इट हैज नंबर 14 नंबर ऑफ रामसर साइट्स, यूपी हैज 10, सो हियर द आंसर बिकम्स ऑप्शन सी, 1 and 3 ओनली। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 सेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ रुपी डेप्रिसिएशन। वाइडनिंग ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है, वाइडनिंग करंट अकाउंट डेफिसिट वाइडन होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि अगर रुपी डेप्रिशिएट करेगा तो उससे क्या होगा, जो हमारे इम्पोर्ट बिल है वो बढ़ जाएगा, और एक्सपोर्ट्स का पक्का नहीं है कि वो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी पे भी डिपेंड करता है। एक्सपोर्ट्स विल बिकम कॉम्पिटिटिव, पर हमारे जो इम्पोर्ट्स हैं इंडिया के वो बहुत ज़्यादा वो हमारे एसेंशियल एलिमेंट्स के लिए हैं, जैसे पेट्रोलियम हो गया या हम गोल्ड में भी कर देते हैं, तो एसेंशियल एलिमेंट्स के लिए हमारे इम्पोर्ट है, तो वो सबसे ज़्यादा बिल हमारा बना देता है। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन इम्पोर्ट बिल, ये तो रॉन्ग है, इम्पोर्ट बिल तो बढ़ेगा। इंक्रीज इन इम्पोर्ट कवर, ये भी डिक्रीज होगा, क्यों, क्योंकि इम्पोर्ट कवर अगर रुपी करेंसी डिप्रिशिएट कर गया तो यानी हमें ज़्यादा पे करना पड़ रहा है, तो जो हमारे पास पैसा ऑलरेडी पड़ा था वो कम हो जाएगा, तो इम्पोर्ट बिल हमारा कम होगा बढ़ने की बजाय। इम्पोर्ट कवर का मतलब ये होता है कि हम हमारे पास कितना रिजर्व्स है जिससे कि हम कितने मंथ्स का इम्पोर्ट को हम कवर कर सकते हैं। तो अगर मान लो ₹1, अभी $1 आपका ₹80 का है, और वही $1 अगर ₹100 का हो जाए, यानी करेंसी डिप्रिशिएट कर जाए, तो अगर आपके पास $600 बिलियन रखे हैं रिजर्व में, तो उनकी वैल्यू कम हो गई ना, जब उनकी वैल्यू कम हो गई तो हमारा इम्पोर्ट कवर भी कम हो जाएगा, तो स्टेटमेंट हो जाएगी रॉन्ग। फोर्थ इज हायर इन्फ्लेशन, बिल्कुल इन्फ्लेशन बढ़ेगा क्योंकि इम्पोर्ट बिल बढ़ गया है, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ेगा। सो आंसर बिकम्स ऑप्शन बी, दैट इज 1 and 4 ओनली। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45। कंसिडर द फॉलोइंग स्कीम्स, ई संजीवनी हेल्थ, पीएम दीक्षा, दिशा इज स्किल, स्वयं इज एजुकेशन, तो तीनों ही स्टेटमेंट ठीक है, आंसर बिकम्स ऑप्शन डी, 1, 2 and 3। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46। विद रेफरेंस टू द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। इट इज द ऑर्गन ऑफ नीति आयोग, ऑब्वियसली इट कांट बी, ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट फंड है ना ये। इट हैज अ कॉर्पस ऑफ 4 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ बहुत ज्यादा स्ट्राइकिंग है, बहुत ज्यादा पैसा हो गया, मतलब गवर्नमेंट को फिर रेवेन्यू अपना फिस्कल डेफिसिट लेने की शायद जरूरत ही ना पड़े अगर इतना कॉर्पस बन जाए तो इट इज अराउंड 40,000 करोड़। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, आंसर बिकम्स ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47। कंसिडर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द नेशनल करियर सर्विसेज। द नेशनल करियर सर्विसेज इज एन इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेटमेंट इज रॉन्ग, इट इज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, तो लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का ये इनिशिएटिव है, ना कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग का। नेशनल करियर सर्विस हैज बीन लॉन्च्ड
इन ए मिशन मोड टू इम्प्रूव द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द अनएजुकेटेड यूथ। देखो और मोर और लेस ये इसके साथ रिलेट कर सकता है, तो इस स्टेटमेंट को आप सही कह सकते हो। सो हेयर द आंसर बिकम्स ऑप्शन बी, दैट इज टू ओनली। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मोस्ट लाइकली मेजर ऑफ गवर्नमेंट और आरबीआई टेक टू स्टॉप द स्लाइड ऑफ इंडियन रूपी। ठीक है, फर्स्ट वन इज कर्बिंग, मतलब कौन सा मेजर नहीं लेगी गवर्नमेंट, कर्बिंग इंपोर्ट ऑफ नॉन एसेंशियल गुड्स एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स। बिल्कुल ये लेगी गवर्नमेंट स्टेप, नॉन एसेंशियल गुड्स का इंपोर्ट्स को रोको और एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करो, जिससे कि रुपए की वैल्यू बढ़े और इन्फ्लेशन को, रुपए की वैल्यू को हम गिरने से रोक पाए। तो ये स्टेटमेंट तो राइट होगा, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली रॉन्ग हो जाएगा। इंक्रीजिंग इंडियन बोरोवर्स टू इशू रुपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड, बिल्कुल सही है, उससे लाइबिलिटी कम होगी और रुपए की डिमांड बढ़ेगी। ईजिंग कंडीशंस रिलेटिंग टू एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स के लिए अगर हम ईज करेंगे चीज़ों को तो क्या होगा उससे, तो उससे हमारे अंदर डॉलर का फ्लो आएगा तो रुपए की वैल्यू फिर बढ़ेगी, तो ये भी मतलब कि स्लाइड को रोकने के काम आएगा। फॉलोइंग एन एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, अगर देखो एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी की तो क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा, इन्फ्लेशन से रुपए की वैल्यू और गिरेगी, तो ये स्टेप गवर्नमेंट नहीं लेगी। हेंस द आंसर बिकम्स ऑप्शन डी। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोएलिशन टू रिड्यूस शॉर्ट टर्म क्लाइमेट पॉल्यूटेंट्स इज अ यूनिक इनिशिएटिव ऑफ G20 नेशंस। द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ये G20 नेशंस का इनिशिएटिव नहीं है। नेक्स्ट इज द CCAC फोकसेस अपॉन, द CCAC फोकसेस अपॉन मीथेन, ब्लैक कार्बन एंड हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। द स्टेटमेंट इज राइट। सो हेयर द आंसर बिकम्स ऑप्शन बी, दैट इज टू ओनली। नाउ दिस इनिशिएटिव वॉज टेकन बाय बांग्लादेश, कैनेडा, घाना, मैक्सिको, स्वीडन, यूनाइटेड स्टेट्स एंड अलॉन्ग विद UNEP। तो ये G20 का नहीं है, इट इज इनिशिएटिव बाय UNEP एंड अ ग्रुप ऑफ कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, घाना, देन USA, देन यू हैव मैक्सिको, स्वीडन। तो दैट्स वाई दिस स्टेटमेंट बिकम्स रॉन्ग। तो अगर ये आपको नहीं पता था तो इसके बारे में यू कैन नोट इट डाउन, आप नोट डाउन कर सकते हो। अब नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 50, व्हाई आर द ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म्ड इन अ क्लाउडी नाइट, क्लाउडी नाइट में ड्यू ड्रॉप्स क्यों नहीं बनते। क्लाउड्स एब्जॉर्ब रेडिएशन रिलीज फ्रॉम द अर्थ सर्फेस। बिल्कुल, जो रेडिएशन रिलीज होंगी उन रेडिएशन को वो एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे कि ड्यू ड्रॉप्स के चांसेस कम हो जाएंगे। क्लाउड्स रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशन, तो जो क्लाउड है वो अर्थ के रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक करेगा, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। द अर्थ सर्फेस वुड हैव लो टेम्परेचर, द अर्थ सर्फेस वुड हैव लो टेम्परेचर ऑन क्लाउडी नाइट्स। जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो क्लाउडी नाइट्स में क्या होगा, कम होगा, तो ये स्टेटमेंट अगेन रॉन्ग है। क्लाउडी क्लाउड्स रिफ्लेक्ट द ब्लोइंग विंड्स, रिफ्लेक्ट तो नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा, तो सी एंड डी तो रॉन्ग हो जाएंगे। नाउ फर्स्ट एंड सेकेंड की हम बात करते हैं। क्लाउड एब्जॉर्ब्स द रेडिएशन रिलीज फ्रॉम अर्थ सर्फेस, वो एब्जॉर्ब नहीं करेंगे और रिफ्लेक्ट करेंगे। होगा क्या कि जैसे अर्थ से रेडिएशन जो गई ऊपर की तरफ क्लाउड्स पे, तो क्लाउड्स उनको बाहर नहीं जाने देगा, वापस उनको रिफ्लेक्ट कर देगा, जिससे क्या होगा, जो टेम्परेचर में फॉल आना चाहिए ड्यू ड्रॉप्स बनने के लिए, ड्यू ड्रॉप्स क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन कब होगा, कम टेम्परेचर पे, जब टेम्परेचर लो हो जाएगा, जो रेडिएशंस अर्थ सरफेस से ऊपर की तरफ जा रही हैं, जब वो रिफ्लेक्ट बैक होकर वापस आ जाएंगी अर्थ पे, तो उससे क्या होगा, उससे टेम्परेचर कम नहीं होगा, जिसकी वजह से ड्यू ड्रॉप्स नहीं बनेगी, कंडेंसेशन नहीं होगा। तो आंसर बिकम्स ऑप्शन बी, दैट क्लाउड रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशंस। ठीक है, सो आंसर बिकम्स ऑप्शन बी ओनली। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 सेज, प्रोडक्टिव जॉब्स आर वाइटल फॉर ग्रोथ एंड गुड जॉब इज बेस्ट फॉर्म ऑफ इंक्लूजन। मोर देन हाफ ऑफ आवर पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, बट द एक्सपीरियंस ऑफ अदर कंट्रीज सजेस्ट दैट नंबर ऑफ पीपल डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर विल हैव टू श्रिंक इफ पर कैपिटा इनकम इन एग्रीकल्चर आर टू गो अप सब्सटेंशियली। तो क्या कह रहा है कि जो लोग हैं अगर उनकी इनकम को बढ़ाना है तो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस कम हमें करनी होगी। वेल इंडस्ट्रीज क्रिएटिंग जॉब्स, too many jobs are low productivity non-contractual jobs in unorganized sector offering low incomes little protection and no benefits।
सर्विस जॉब्स आर रिलेटिवली ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी बट एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इन सर्विसेज हैज टू बी स्लो इन द रीसेंट ईयर्स. तो इस पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फ्रेंस दैट कैन बी मेड फ्रॉम द अबव पैसेज. वी मस्ट क्रिएट कंडीशन फॉर फास्टर ग्रोथ ऑफ हाईली प्रोडक्टिव सर्विसेज जॉब्स टू एंश्योर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ. स्टेटमेंट ठीक है, मोर ऑर लेस वो यही बोल रहा है कि एग्रीकल्चर से निकालो और बेटर प्रोडक्टिव जॉब्स को हम बनाए. तो स्टेटमेंट ठीक लग रहा है ये. वी मस्ट शिफ्ट फ्रॉम द फार्म वर्कर्स टू हाईली प्रोडक्टिव मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर टू एंश्योर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इंक्लूजन. ये स्टेटमेंट भी ठीक लग रहा है. देन वी मस्ट क्रिएट कंडीशन फॉर द फास्टर ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिव जॉब्स आउटसाइड एग्रीकल्चर इवन वाइल इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर. तो ये स्टेटमेंट भी कुछ सही लग रहा है, मतलब ये भी गलत नहीं लग रहा है. ऑलमोस्ट ऑल द थ्री स्टेटमेंट आर सेइंग द सेम थिंग्स. वी मस्ट एम्फसाइज द कल्टीवेशन ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटीज. ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, ये तो बात ही नहीं कर रहा इसकी. तो अब इन तीनों की हम बात करते हैं कि हमें कंडीशन क्रिएट करनी होगी ग्रोथ के लिए ऑफ हाईली प्रोडक्टिव सर्विस जॉब्स टू एंश्योर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एंड इंक्लूजन. शिफ्ट करना होगा फार्म वर्कर्स से हाईली प्रोडक्टिव मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर के ऊपर. यह हमें क्रिएट होंगे कंडीशंस फॉर फास्टर ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिव जॉब्स आउटसाइड एग्रीकल्चर इवन वाइल इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर. तो अब इसमें हम देख लेते हैं कि दोबारा से क्या इसमें हो सकता है. तो पहली बात इसने बोला कि प्रोडक्टिव जॉब बेस्ट फॉर्म ऑफ इंक्लूजन है. अब इसने दूसरी जो बात की है बीच में यहां से लेके, इसको थोड़ा मिटा देते हैं सो दैट वी कैन एनालाइज इट इन अ बेटर मैनर. तो यहां से लेके इसने लगभग यहां तक बात जो की वो एग्रीकल्चर की बात की है. जब ये तीसरी बात कर रहा है कि इंडस्ट्री जो है क्रिएट कर रहा है जॉब्स को, बट वो है लो प्रोडक्टिविटी नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब्स इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर ऑफरिंग ये लो इनकम देते हैं, लिटिल प्रोडक्शन देते हैं, नो बेनिफिट्स. सर्विस जॉब्स आर रिलेटिवली ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी बट एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इन सर्विस हैज बीन स्लो इन द रिसेंट ईयर्स. तो इसने जो बताया है इसने मैन्युफैक्चरिंग का इशू बता दिया, सर्विस का इशू बता दिया. तो मोस्टली इसने क्या इशूज क्रिएट बताए हैं. तो पहले तो ये कह रहा है वी मस्ट क्रिएट कंडीशन फॉर द फास्टर ग्रोथ ऑफ द हाईली प्रोडक्टिव सर्विस जॉब्स टू एंश्योर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एंड इंक्लूजन. तो ये कह रहा है एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ इन सर्विसेज हैज बीन स्लो इन द रिसेंट ईयर. ठीक है. अब इसमें दूसरा कह रहा है कि वी मस्ट शिफ्ट द फार्म वर्कर्स टू द हाईली प्रोडक्टिव मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर. ये इसने कहीं बोला नहीं कि हाईली प्रोडक्टिव वाली बात. मैन्युफैक्चरिंग को इसने लो प्रोडक्टिविटी बोला है अभी तक, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाएगा. वी मस्ट क्रिएट कंडीशन फॉर फास्टर प्रोडक्टिव जॉब्स आउटसाइड एग्रीकल्चर इवन दो इम्प्रूविंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर. तो उसने एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी की भी कहीं बात नहीं की. तो एट द एंड जो हमें थोड़ा सा हिंट मिलता है वो इस लास्ट स्टेटमेंट से मिलता है फर्स्ट ऑप्शन के लिए. That's why your answer becomes option A only. ठीक है, तो ये last statement इसको थोड़ा strongly support करती है. Next पे आते हैं question number 52 पे. Question number 52 says, two walls and a ceiling of a room meet at a right angle at a point P. तो यानी आप देख लो एक कमरा आपका है और उस कमरे का कोना उसने लिया P के लिए. A fly is in the air 1 meter from one wall and 8 meter from the other wall, 9 meter from the point P. Which of the following How many meters is the wall away from the ceiling? तो देखो इसको बेसिकली आप इस तरह से बना सकते हो कि आपने एक ट्राइंगल बना लिया अपना, तो ये आपका हो जाएगा कमरा. ठीक है, तो ये कमरे की बात हो गई. तो सबसे पहले तो मैं ले लेता हूँ दो वॉल्स को. तो ये दो वॉल मैंने ले ली, तो एक वॉल से जो डिस्टेंस है वो है 8 और दूसरी वॉल से जो डिस्टेंस है वो है 1. तो इसका टोटल जो आप ये लगा लो किसी भी जो ये पूरी लाइन है, इस लाइन से जो इसका ये डिस्टेंस आएगा वो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, पाइथागोरस लग जाएगी ना यहाँ पे, 8² + 1² = x². तो ये आ जाएगा आपका 64 + 1 = 65, √65 इज द एक्स. तो पूरी एक वॉल से आप ये लगाओ कि पूरी ये जो कॉर्नर लाइन है, इस लाइन से जो डिस्टेंस आएगा इस फ्लाई का, वो आएगा आपका √65. अब मैं मान लो ये है पॉइंट पी. अब तो ये पी पॉइंट से कह रहा है कि इस पी पॉइंट से जो डिस्टेंस आ रहा है वो पी पॉइंट से डिस्टेंस आ रहा है 9 meters. तो यानी अगेन क्या बनेगा मेरे पास, मेरे पास ये बनेगा कि इस वॉल से कितना ये दूर है. तो ये 9 meter मुझे दिया हुआ है, ये मुझे दिया हुआ है √65. ये वाली चीज √65 मुझे मिल गई है. अब मुझे ये डिस्टेंस निकालना है कि ये वाई कितना है, इस सीलिंग से कितनी हाइट पे ये है. तो इसको अगेन पाइथागोरस लगा देंगे, 9² = y² + x²
तो ये आ जाएगा आपका 9² = 81 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 65, मतलब अंडर रूट 65 को हम स्क्वायर कर देंगे तो आ जाएगा 65, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16, दैट मीन्स वाई इज इक्वल टू 4, अंडर रूट निकाल देंगे ना 16 का, सो हियर द आंसर बिकम्स ऑप्शन ए दैट इज 4. नेक्स्ट, इफ सेकेंड एंड द फोर्थ सैटरडेज ऑल द संडेज आर टेकन ऑफ, मतलब सारे संडे यानी चार संडे आते हैं एक मंथ में, तो चार संडे हमने ले लिए, एंड ओनली हॉलीडेज फॉर द ऑफिस विच वुड बी मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल वर्किंग डेज इन अ मंथ. तो सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे यानी छः दो दिन तो वो हो गए और चार दिन ये हो गए, तो मिनिमम कितने नंबर ऑफ डेज वर्किंग रहेगा. तो जब मिनिमम नंबर ऑफ डेज पूछ रहा, तो हमें वो मंथ देखना होगा जिसमें मिनिमम वर्किंग डेज होते हैं, यानी आप देखोगे फरवरी मंथ को जिसमें 28 डेज होते हैं. 28 डेज में से अगर आप 6 डेज को निकाल दोगे तो क्या आएगा 22. सो आंसर बिकम्स ऑप्शन बी. तो बेसिक लॉजिक से ये क्वेश्चन हो जा रहा है. नेक्स्ट, फोर टेस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी आर टू बी कंडक्टेड ऑन 4 कंसेक्यूटिव डेज, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर. फिजिक्स टेस्ट इज हेल्ड बिफोर द टेस्ट विच इज कंडक्टेड आफ्टर बायोलॉजी. तो फिजिक्स टेस्ट जो है वो होगा जो बायोलॉजी के बाद जो टेस्ट हो रहा है. तो आप ये लगा सकते हो कि बायोलॉजी टेस्ट पहले होगा, उसके बाद कोई टेस्ट होगा, फिर हो सकता है फिजिक्स हो, फिर उसके बाद कोई टेस्ट हो, तो इस तरह से कुछ सीक्वेंस बनेगी. ये हो सकता है यहाँ पे कुछ हो भी और ना भी हो, पर ये पक्का कि बायोलॉजी इज गोइंग टू प्रिसीड द फिजिक्स टेस्ट. केमिस्ट्री टेस्ट इज कंडक्टेड एग्जैक्टली आफ्टर 2 टेस्ट आर हेल्ड. जब 2 टेस्ट हो चुके हैं उसके बाद ही कौन सा होगा आपका केमिस्ट्री टेस्ट होगा. तो आपके पास 4 टेस्ट, थर्ड नंबर पे क्या आएगा केमिस्ट्री आएगा, तो थर्ड पे तो हमेशा केमिस्ट्री आना ही आना है, तो फिजिक्स यानी सेकंड नंबर पे आएगा. तो फोर्थ पे क्या आ जाएगा मैथमेटिक्स. देखो वो क्या कह रहा है, वो क्या कह रहा है कि बायोलॉजी के बाद जो टेस्ट होना है फिजिक्स का टेस्ट उससे पहले हो जाएगा, तो यानी बायोलॉजी के बाद फिजिक्स होगा. केमिस्ट्री उसने ऑलरेडी बोल दिया कि थर्ड नंबर पे ही होना है, ठीक है, तो ये थर्ड नंबर पे ही होना है. अब बचता है कि मैथमेटिक्स कब हो, तो मैथमेटिक्स यहाँ भी हो सकता था, यहाँ भी हो सकता था. अगर मैथमेटिक्स यहाँ पर होता है तो सी बिकम्स द लास्ट टेस्ट, तो ये सिचुएशन तो नहीं बनने वाली है, तो मैथमेटिक्स हमेशा लास्ट में ही होगा. नाउ विच इज द लास्ट टेस्ट हेल्ड, तो ये आ जाएगा ऑप्शन सी दैट इज मैथमेटिक्स. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. गुड वॉइस इज अ नेचुरल गिफ्ट बट वन हैज टू कीप प्रैक्टिसिंग टू इम्प्रूव एंड वेल इन द फील्ड ऑफ म्यूजिक. ठीक है, कंक्लूजन, नेचुरल गिफ्ट्स नीड नर्चरिंग एंड केयर. द स्टेटमेंट इज ठीक है, मान लेते हैं. गिवन दो वंस वॉइस इज नॉट गुड वन कैन कीप प्रैक्टिसिंग, ये पता नहीं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द स्टेटमेंट एंड द कंक्लूजन. ओनली वन स्टेटमेंट स्टेट कंक्लूजन वन फॉलोज फ्रॉम द स्टेटमेंट. ओके, ये तो नहीं बनता. Only conclusion 2 follows from the statement. ठीक है, either conclusion 1 और conclusion 2 follows. ये तो देखो conclusion 2 तो बिल्कुल ही follow नहीं करता. और दूसरा क्या बोला उसने, good voice एक natural gift हो सकता है, but keep practicing and improve as well, but one has to keep practicing and improve and well in the field of music. तो field of music में अच्छा करने के लिए उसे practice करना पड़ेगा. Then fourth one is neither conclusion nor the conclusion one nor the conclusion two follows the statement. देखो first statement जो है वो थोड़ा बहुत तो follow कर रहा है इसको, कि भाई जो natural gift है आपका उसको nurturing और care चाहिए होगी. तो natural gift को nurturing और care किस लिए चाहिए वो उसने specify नहीं किया है. So here the answer becomes option D, that is neither the conclusion one nor the conclusion two follows the statement. तो आंसर बिकम्स ऑप्शन डी. और सेकंड इज उसने ये भी बोला है कि गुड वॉइस इज डिफरेंट थिंग एंड म्यूजिक इज डिफरेंट थिंग. तो गुड वॉइस को नेचुरल गिफ्ट नर्चर करने के लिए कुछ नहीं चाहिए, हाँ हमें म्यूजिक अगर चाहिए तो हमें नर्चरिंग करनी पड़ेगी. सो दैट्स व्हाई फर्स्ट स्टेटमेंट ऑल्सो बिकम्स रॉन्ग. सो विद दिस वी कंक्लूड आवर डिस्कशन फॉर द डे. थैंक यू वेरी मच.